हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी एम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेसो ऐप कैसे यूज करते हैं। इस ऐप का ऐड आपने ज़रूर देखा होगा। इस वीडियो में मैं इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से इस ऐप को यूज करना है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यह एक म्यूज़िक प्लेयर है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप रेसो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको रेसो टाइप करके सर्च करना है तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करिएगा। ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप मोबाइल नंबर से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक अकाउंट से भी कर सकते हो, या फिर किसी भी ईमेल आईडी यानी कि गूगल अकाउंट से भी क्रिएट कर सकते हो। तो हम कंटिन्यू विद फोन पर क्लिक करके फोन नंबर से अकाउंट अपना क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नंबर टाइप करना है, सेंड कोड पर क्लिक करना है। आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। ओटीपी टाइप करके आपको आगे नेक्स्ट कर देना है। तो ओटीपी आ चुका है, हमने टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज के आपको सॉन्ग ज़्यादा पसंद है आप यहाँ पर वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज सेलेक्ट कर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सिंगर आ जाएंगे, तो जिस भी सिंगर का सॉन्ग आपको सुनना ज़्यादा पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज नीचे स्किप का बटन आपको मिलेगा, स्किप पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर सॉन्ग आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप कमेंट कर सकते हो सॉन्ग के बारे में, यहाँ से आप सॉन्ग को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे ही आपको सॉन्ग प्ले करना है तो सॉन्ग को प्ले करने के लिए नीचे आपको एक प्ले का बटन दिखेगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो सॉन्ग यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आप नेक्स्ट सॉन्ग सुनना चाहते हो तो इसके लिए आपको ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना होगा, तो आपके सामने नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सॉन्ग को सुन सकते हो। ऊपर देखिए आपको तीन डॉट देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन की जो है वो खास बात बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको सभी सॉन्ग के लिरिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी स्पेशल फीचर्स इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर लिरिक्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर आपको तीन डॉट देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर सॉन्ग को एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माय पार्टी है, इस पर क्लिक करके आप सॉन्ग की वॉइस एडिट कर सकते हो, यानी कि जो इसका जो म्यूज़िक वगैरह है उसे आप एडिट कर पाओगे। स्लिप टाइमर जो है अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको टाइम सेलेक्ट करना होता है। जो टाइम आप सेलेक्ट करोगे उसी टाइम पर जो म्यूज़िक है वो अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर से ऑडियो क्वालिटी एडिट करने का ऑप्शन आपको आता है। यहाँ से आप जो आर्टिस्ट है उसके और भी सॉन्ग सुन सकते हो। इक्वालाइजर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके पिच वगैरह चेंज कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप लिरिक्स का फीडबैक देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। अगर आप सॉन्ग को हाइड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप हाइड भी कर सकते हो। अगर आपको सॉन्ग ज़्यादा पसंद आ जाता है, उसे आप अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको खुद की प्लेलिस्ट बनानी है तो न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर प्लेलिस्ट बना सकते हो और यहाँ पर अपने सॉन्ग को प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो यह है सॉन्ग को सुनने का तरीका। यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक ऐड वॉच करना होता है, उसके बाद ही आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपको डाउनलोड करना है बिना ऐड वॉच किए तो आपको इसका प्रीमियम वर्जन बाय करना होगा। उसके बाद फॉर यू वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जैसे आप फॉर यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। किसी भी कैटेगरी का सॉन्ग यहाँ पर आप सुन सकते हो। यहाँ पर आर्टिस्ट के नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप किसी पर्टिकुलर सिंगर का सॉन्ग भी यहाँ पर सुन सकते हो। बॉलीवुड रेट्रो है, इंडियन पॉप है, यानी जो भी कैटेगरी आपको चाहिए वो सभी कैटेगरी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। पॉपुलर गाने भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, हर एक सॉन्ग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको सर्च वाला बटन मिलता है। अगर आपको कोई भी सॉन्ग सर्च करना है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। सिंपली आपको सॉन्ग का नाम टाइप करना है, इस तरीके से कुछ भी आप टाइप करिए तो नीचे आ जाएगा सॉन्ग, आप यहाँ से उसे सुन सकते हो। कैटेगरी वाइज यहाँ पर सर्च रिजल्ट भी शो करता है। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है सॉन्ग को सुनने के लिए। बैकग्राउंड में भी सॉन्ग चलता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप यहाँ से बड़े ही आसानी से सॉन्ग सुन सकते हो। काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है। उसके बाद कॉर्नर में आपको मी का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जो भी अपने फेवरेट सॉन्ग अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। जो भी सॉन्ग आप डाउनलोड करोगे वो ऑफलाइन वाले ऑप्शन में आपको शो करेगा। अगर आप फ़ोन से सॉन्ग यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हो तो ऑन माई फोन पर क्लिक करिए, परमिशन को अलाउ करिए, आपके फ़ोन में जो भी ऑफलाइन सॉन्ग है वो सभी सॉन्ग यहाँ पर आ जाएंगे। लास्ट में आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, तो जो भी सॉन्ग आपने सुना है प्रीवियसली तो वो सॉन्ग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए। आई होप आपको ये एप्लीकेशन और वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कई दिन से मैं इस एप्लीकेशन का ऐड देख रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो अब कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।